स्टूडेंट्स लेट एस डिस्कस द मोस्ट यू नो वन ऑफ द हॉट टॉपिक ऑफ दीज डेज यू एक्स यू आई की बात नहीं मैं कर रहा यूजर इंटरफेस की बात नहीं मैं कर रहा आई एम टॉकिंग अबाउट यूजर एक्सपीरियंस मतलब आजकल किसी भी वेबसाइट पे यूजर का ज्यादा देर तक स्टे करना और ज़्यादा पेजिस को ब्राउज करना डायरेक्टली लिंक है हाउ इजी इज इट इज टू ब्राउज द पेज विद इन द वेबसाइट आसान लफ्जों में अगर एक वेबसाइट बहुत सिंपल फॉर्म में मौजूद है यानी कभी यह सोचें आप कि गूगल का जो होम पेज है वो क्या है वो सिंपल एक सर्च बॉक्स है एक टेक्सट बॉक्स है और सर्च का बटन है दिस इज इट यानी कितना सिंपल है उन्होंने कुछ ज्यादा चीज डाली ही नहीं है होम पेज के ऊपर उसकी भी एक हिस्ट्री है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज एक्चुअली गिविंग अ वेरी गुड यू एक्स एक्सपीरियंस यानी मुझे और आपको बड़ी आसानी है जाके टेक्स्ट बॉक्स में टाइप कर देना और हमें अपने अपने काम की चीज मिल जाती है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज वॉट वी कॉल्ड अ लीन एंड सिंपल यू एक्स डिजाइन यानी यूजर को आसानी होनी चाहिए अपनी चीज को सर्च करने के लिए मतलब ये है कि वो अच्छी वेबसाइट का डिजाइन आजकल अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता जहां पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन या बहुत ज्यादा यू नो इमेज डेटा मौजूद हो और यूजर ही कंफ्यूज हो जाए आई डेमो यू कि मैं इससे क्या मुराद है आई एम कि जो अ गुड यूएक्स एक्सपीरियंस इज ऑलवेज 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 ट्रांसलेटेड इन टू सिंपलिसिटी सिंपल सिंपल डिजाइन होना चाहिए सादा होना चाहिए नेविगेटेबल होना चाहिए यानी yani बहुत ज्यादा चीजें यूजर को नहीं बतानी रीजन आजकल इंटरनेट का दूसरा नाम यू नो इंफॉर्मेशन फ्लड है देर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन इंटरनेट कि यू कैन इजली लॉस ट्रैक अगर आप बहुत आपको बहुत ज्यादा ओवरवेलम uh, कर देंगे बहुत ज्यादा फ्लड कर देंगे इंफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा चीजें Uh, आपको बताना शुरू कर देंगे यू विल गेट ओवर वेल यू विल गेट कंफ्यूज एक्चुअली सो दू एक्स गुड यूएक्स इज कि आप यूजर की जो जर्नी है जो यूजर की जर्नी है ओवर योर वेबसाइट उसको आप आसान रखें उसको सिंपल रखें सिंपल इज अ वेरी गुड वर्ड दीज डेज जो कि हम यूएक्स के लिए आ, आ, करते हैं तो जो नेविगेशन है आपकी वेबसाइट में वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या मैसी नहीं होनी चाहिए रादर देन अ कॉम्प्लेक्सिटी from going from one page to another so let me uh, show you some examples of good ux and some examples of bad ux design let me first show you students ux of this website above.com it's one uh, e-commerce e store simple design बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को ओवर फ्लड नहीं किया हुआ सिंपल स्लीक डिज़ाइन है ईज़ी टू नेविगेट है इफ़ यू क्लिक ऑन इमेज़ यू विल गेट टू नो द डिटेल्स अबाउट इमेज एंड अबाउट द प्रोडक्ट इट इज़ रादर सिंपल यूएक्स डिज़ाइन आपको डिटेल पता लग रही है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवरफ्लड नहीं की हुई सिंपल सा डिज़ाइन रखा हुआ है और सिंपल सिंपलिसिटी से नेविगेशन uh, रखी हुई है यू कैन क्लियरली सी कि आपने सर्च कैसे करनी है uh, आपने किसी प्रोडक्ट पे कैसे जाना है इसको फेवरेट कैसे करना है एंड सो ऑन दिस इज़ वन एग्जांपल ऑफ अ गुड डिज़ाइन लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल लुक ह्यूमन डॉट कॉम जस्ट सी हेयर दिस इज़ अगेन अ वेबसाइट जो कि ऑनलाइन स्टोर के लिए सिंपल सादी सी है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट uh, नहीं की हुई जिंदगी यूजर की जर्नी को आसानी की तरफ पैदा की है ऊपर हमारे पास ट्रेंडिंग आ रहा है कलेक्शंस क्लोथिंग उसकी फिर आगे कैटेगरीज आ रही हैं होम आ रहा है फिर उसकी कैटेगरीज आ रही हैं एंड सो ऑन तो इन दो वेबसाइट्स में डिज़ाइन को रिलेटिवली सिंपल रखा गया जस्ट सी दिस वेबसाइट और ये करेंटली वेबसाइट चल रही है अब ये वेबसाइट जिसको हम लोग बोलते हैं हाईली कलेटड वेबसाइट ये अमूमन उस जमाने का डिज़ाइन रिफ्लेक्ट हो रहा है जब इंटरनेट नया नया आया था और वेबसाइट्स लोगों को बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था इस वेबसाइट को देख के आपको एटलीस्ट मुझे नहीं कुछ समझ आ रही कि वेबसाइट क्या करना चाह रही है क्या है ये वेबसाइट यहाँ पे सर्च ओके okay, दे सर्च यहाँ पे सर्च मौजूद है आफ्टर अब बिट ऑफ सर्च मुझे पता लगा है कि यहाँ पे सर्च भी मौजूद है बट आई मीन दिस इज दिस इज वट इज वट वी कॉल्ड फ्लडिंग फ्लडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यानी इतनी ज़्यादा चीज़ें बता दी कि यूज़र ही खबर आ गए एटलीस्ट मैं आई गेट ओवरवेलम कि ये क्या चीज है लेट्स से मैं किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ अब कहीं क्लिक भी नहीं हो रहा अब ये देखें अ uh, मैंने किसी प्रोडक्ट पे क्लिक किया एंड उफ जस्ट सी दिस थिंग दिस इज सो बैड यूएक्स डिजाइन एट आई एम नॉट गोइंग टू स्टे हियर फॉर अ वाइल सो दिस इज अ वेरी बैड यूएक्स डिजाइन लेट मी शो यू अनदर डिजाइन जस्ट सी दिस थिंग जस्ट सी दिस थिंग दिस इज वेरी वेरी ये किसी का पर्सनल पेज है लेकिन दिस इज वेरी वेरी मैसी पेज सो जो डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स हैं कि आपका डिज़ाइन सिंपल होना चाहिए स्लीक होना चाहिए ये वेबसाइट कम अज कम उस प्रिंसिपल को पूरा नहीं होता रही जैसे फॉर एग्जांपल ये इवन जारा डॉट कॉम सर्च के हिसाब से थोड़ी सी लैग करती लेकिन डिज़ाइन इसको बहुत स्लीक है लाइकवाइज ये जो लुक ह्यूमन डॉट कॉम है एंड अबोफ डॉट कॉम है ये रेलेटिवली सिंपल है यूजर की जर्नी जरा आसान उन्होंने की हुई है ना कि कॉम्प्लेक्स की हुई है अगर एक वेबसाइट को दो सेकंड से ऑन एवरेज दो सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं लोड होने में यूजर विल नॉट यूजर विल यू नो यूजर विल नॉट वेट यूजर विल जस्ट स्किप दैबसाइट स्किप दैबसाइट से मुराद ये है कि वो वेबसाइट पर नहीं नॉट वेट टू तो गेट द वेबसाइट लोडेड मतलब कि वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो यूएक्स एक्सपीरियंस का पार्ट है क्योंकि अगर मैं वेबसाइट पे आना ही नहीं चाहता या वेबसाइट इतनी लेजी है यानी लेजी लोडिंग है यानी उसके अंदर कोई कोडिंग ऐसी की हुई है ड्यू टू तो बैड इंटरनेट कनेक्शन बैड सर्वर स्पीड व्हाट्स ओएवर एज अ क्लाइंट एक्चुअली आई डोंट केयर कि सर्वर का मसला है इंटरनेट कनेक्शन का मसला है वॉट आई विल सी कि वेबसाइट लोड होने में बहुत टाइम ले रही है आई विल नॉट विजिट द वेबसाइट मतलब

वेबसाइट पर दोबारा एक बहुत बड़ा इशू है ओपन ही नहीं करेगा वेबसाइट को एंड कीप दिस इन माइंड टाइम होता है ना वेबसाइट पे वो बहुत कम होता है वर्सेस लैपटॉप या डेस्कटॉप रीजन की स्क्रीन साइज छोटा है अगर स्क्रीन के ऊपर आपकी वेबसाइट लोड ही हो जा रही है और दो तीन सेकंड लग गए हैं तो मोबाइल यूजर आई I मीन mean, आप खुद सोचें आप अपने आप को रखें एज अ यूजर एंड जस्ट ट्राई टू सी कि अगर एक वेबसाइट दो तीन सेकंड तक लोड नहीं होती वुड यू रिकमेंड और वुड यू एवर बाई योर आप खुद भी उस वेबसाइट पर जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे मतलब अगर अमेजॉन ही है फॉर एग्जाम्पल अब एमेजोन इज अ वेरी हाईली डेटा ड्रिवन वेबसाइट बहुत ज्यादा हैवी वेबसाइट है लेकिन वो बहुत जल्दी लोड हो जाती है यानी जितने भी बड़े सर्च इंजन है गूगल देख लें यू राइट इट इट्स लोडेड हालांकि गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट हैविली पॉपुलेटेड सर्वस यानी जो उसकी वेबसाइट है उसमें दुनिया का सबसे ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है लेकिन स्टिल दे आर मैनेजिंग इट के इस लोडिंग टाइम कम से कम रखे तो एट द एंड ऑफ द डे जो यूएक्स है वो लोडिंग टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफ लोडिंग टाइम इज लो द यूएक्स एक्सपीरियंस इज is actually good at the end of the day.